कमिश्नर कार्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित संभागीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को पूरी संवेदनशीलता के साथ लागू करें। अत्याचार से पीड़ितों को राहत देने के साथ साथ आरोपियों को सजा दिलाने के भी प्रयास करें। प्रकरणों की सुनवाई में आने वाले पीड़ितों तथा गवाहों को विशेष लोक अभियोजक उचित मार्गदर्शन और सलाह दे, जिससे वे न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत कर सके। आगामी बैठक में राजीनामा से बरी होने वाले आरोपियों के प्रकरणों की जानकारी भी प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने कहा कि राहत राशि वितरण के लिए प्राप्त राशि का तत्काल वितरण कराएं। रीवा और मऊगंज जिले के लिए भी आवंटन प्राप्त हो गया है, इसका 3 दिवस के अंदर वितरण करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में सुनवाई के लिए आने वाले पीड़ितों तथा गवाहों को मजदूरी, बस किराया तथा आहार व्यय की राशि अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। उपायुक्त सभी पुलिस अधीक्षकों को इस मद से राशि आवंटित करें। इस मद में राशि उपलब्ध नहीं है, इसके आवंटन के लिए सभी जिले तत्काल प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजें। ट्राइबल विभाग के सभी जिलाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक में राहत राशि से जुड़े जाति प्रमाण पत्रों की सूची कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। कलेक्टर पीड़ितों को तत्काल जाति प्रमाण पत्र जारी कराकर राहत राशि मंजूर करें। उपखंड स्तर पर गठित सलाहकार समिति की नियमित बैठक आयोजित करें। बैठक में आईजी एमएस शिकरवार ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद न्यायालय में बयान बदलने वाले फरियादियों के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाए। सभी पुलिस अधीक्षक तथा एसडीओ अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की हर माह समीक्षा करें। बैठक में डीआईजी साकेत पांडे, कलेक्टर रीवा डॉक्टर सौरभ सोनबड़े, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सिंगरौली चंद्रशेखर शुक्ला, कलेक्टर सीधी सरोजिस सोमवंशी, कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर मैहर रानी वाइटेड, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लोक अभियोजक डीएसपी आजाद तथा जिला संयोजक मौजूद रहे। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Classes are available from nursery to 8th in English medium. Hamara pata hai Mount Era Convent School. SAF ground ke paas, ward kramang 44. होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99073171 7